बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 इज शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट इज अ पैरेललोग्राम आर डायग्राम इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्री। अगर हर एंगल जो है यहाँ पर वो 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो आपके पास क्या होती है, रेक्टेंगल होती है। पैरेललोग्राम में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का नहीं होता। अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम कहलाती है। तो वो कहता है जो पैरेललोग्राम के डायगनल्स हैं, डायगनल्स क्या होते हैं, ये जो आपके पास ये पॉइंट्स हैं इन्हें वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस ये जो एंड पॉइंट्स हैं, जो अपोजिट पॉइंट्स हैं या अपोजिट वर्टिसेस हैं, उनको मिलाने वाली लाइन डायगनल कहलाती है। डायगनल इन अपोजिट साइड्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगनल कहलाती है। ये सेकंड डायगनल है। तो हमने क्या शो करना है, ये दोनों डायगनल्स बाईसेक्ट करते हैं। सेक्ट का क्या मतलब है, सेक्ट का मतलब कट करना, किसी भी पॉइंट पर कट करना। ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। फिर बाईसेक्ट क्या होता है, बाई फॉर टू, दो बराबर हिस्सों में क्या करें, डिवाइड करें। तो इसका मतलब है दो लाइंस एक दूसरे को बाईसेक्ट कर रही हैं। पेज नंबर 183 क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप रीड करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये किस तरह से पता लगेगा, ये देखें, ये एक लाइन ड्रा की है, क्या ये है वन लाइन, ये है सेकंड लाइन, ये उसको बाइसेक्ट कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर रही। ये छोटा हिस्सा है और ये बड़ा हिस्सा है, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है, ये सेकंड लाइन ड्रा की है, क्या ये बाईसेक्ट कर रही, ये बिल्कुल बड़ी लाइन है, ये लाइन इसको बाईसेक्ट कर रही है, हाँ कर रही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हिस्से हैं, टू इक्वल साइज हैं। तो ऐसा कब होता है, जब ये लाइन उसके मिड में से पास करे, मिड पॉइंट से। एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, दो बराबर, यहाँ पर भी 5 लेंथ है, यहाँ पर भी 5। अब जो लाइन उसे करेगी उसे क्या कहेंगे, बाईसेक्ट कहेंगे, अगर वो उसके मिड पॉइंट से पास कर जाए। तो दो डायगनल एक दूसरे को बाईसेक्ट तब करेंगे जब वो एक दूसरे के मिड पॉइंट से क्या कर रहे हो, मतलब दोनों का मिड पॉइंट क्या हो, सेम हो। अगर इस डायगनल का भी मिड पॉइंट सेम हो और दूसरे डायगनल का भी मिड पॉइंट सेम हो तो इसका क्या मतलब होगा, दोनों एक दूसरे को बाईसेक्ट कर रहे हैं। बाईसेक्ट का क्या मतलब है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। अब देखते हैं, आपके पास ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, तो यहाँ पर डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। ये है पॉइंट ए जो कि है 1.2, ये है पॉइंट बी ये जो कि है 4.2। पैरेललोग्राम में जो पॉइंट्स दिए गए होते हैं ये तरतीब से लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए फिर बी फिर यहाँ पर सी, सॉरी पैरेललोग्राम सही नहीं बन रही, अब इसमें थोड़ी सी परफेक्शन है। यहाँ पर आएगा C -1 -3 एंड हेयर वी राइट D दैट इज -4 -3। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर A, अगर यहाँ पर B लिखते हैं तो यहाँ पर C यहाँ पर D आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ पर आपने C लिख दिया, यहाँ पर B लिख दिया, यहाँ पर D, अपनी मर्जी से, इस तरह से नहीं लिखना, तरतीब से लिखना है A B C D। अगर यहाँ से लेकर आ रहे हैं तो A यहाँ पर B यहाँ पर C यहाँ पर D, एक ख़ास तरतीब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए फिर उसके बाद आप सी लिख दें फिर बी लिख दें फिर डी लिख दें, इस तरह से नहीं लिखेंगे वरना आपका आंसर गलत आएगा। अब हमने क्या है, ये डायगनल है,
हमने क्या शो करना है, ये दोनों डायगनल एक दूसरे को बाईसेक्ट करते हैं। बाईसेक्ट तब करेंगे जब वो उसके मिड पॉइंट से गुजर रहा होगा। अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम हो जाए तो इसका मतलब दोनों बाईसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायगनल का क्या कर लेता हूँ, मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दैट इज एम वन, लेट एम वन इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ज्वाइनिंग, किन पॉइंट को डायगनल ज्वाइन कर रहा है, बी एंड डी को, ज्वाइनिंग बी डी, दो पॉइंट बी और डी को जो ज्वाइन कर रहा है डायगनल, उसका मिड पॉइंट एम वन ले रहे हैं। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एम वन किसके इक्वल आएगा, एम वन। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू, वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू। तो एक्स वन यहाँ पर क्या है, फोर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर प्लस एक्स टू क्या है, माइनस फोर है, प्लस माइनस फोर ओवर टू कॉमा वाई वन क्या है, आपके पास टू है, टू वाई टू क्या है, माइनस थ्री है, माइनस थ्री ओवर टू। यहाँ पर फोर माइनस फोर आपके पास क्या आ जाएगा, वो आएगा आपके पास जीरो ओवर टू। टू माइनस थ्री आपके पास क्या आएगा, माइनस वन ओवर टू। आपके पास यहाँ पर एम वन आपके पास क्या आ जाएगा, एम वन आपके पास आएगा जीरो कॉमा माइनस वन ओवर टू। नाउ वी हैव टू फाइंड एम टू, लेट एम टू इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ज्वाइनिंग, इनको ज्वाइन कर रहा है ज्वाइनिंग, अब सेकंड डायगनल ज्वाइन कर रहा है ए सी को। अगर इसका भी मिड पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है, जीरो माइनस वन ओवर टू आ जाता है, तो मतलब दोनों एक दूसरे को बाईसेक्ट कर रहे हैं। ओके, ए सी दैट इज एम टू इज इक्वल टू एम टू वन प्लस माइनस वन, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, वाई वन इज टू, वाई टू इज माइनस थ्री, टू प्लस माइनस थ्री ओवर टू। हेयर वी गेट वन माइनस वन जीरो ओवर टू, टू माइनस थ्री माइनस वन ओवर टू, एम टू इज इक्वल टू हेयर जीरो माइनस वन ओवर टू। एज टू पॉइंट्स एम वन एंड एम टू आर सेम, सो बोथ डायगनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो वी राइट मिड पॉइंट ऑफ डायगनल एज मिड पॉइंट ऑफ डायगनल बी डी एंड ए सी आर सेम, सो डायगनल बी डी एंड ए सी आर बाइसेक्ट ईच अदर, सो डायगनल बी डी एंड ए सी बाइसेक्ट ईच अदर एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।